वाह, केन स्टार खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। वो ऐसी कौन सी चीज है जो लाल पीली हरी, जी हाँ लाल पीली और हरी तीनों मिल सकती है, कौन सी चीज है आप बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। खाने की चीज है, इसकी साइंस का नाम होता है पोमोलॉजी। अभी भी नहीं समझे आप लोग, ये देख रहे हैं ढेर सारे, जी हाँ सेब, लाल भी मिलते हैं पीले भी मिलते हैं हरे भी मिलते हैं। वॉशिंगटन स्टेट के अंदर हम हैं और यहाँ पर इस समय मौसम है सेब को हार्वेस्ट करने का, तैयार हैं बड़े बड़े सेब। अब चाहे वो रेड डिलिशियस हो, ग्रैनी स्मिथ हो या गेला हो, जी हाँ ये सारे नाम हैं सेब के। हमारे हिंदुस्तान में भी ढेर सारे सेब मिलते हैं, बहुत तरह की वैरायटी मिलती है। हिमाचल प्रदेश के जो सेब हैं कितने बढ़िया होते हैं। सेब का असली स्वाद होता है आप पेड़ में से तोड़ें और खाएं, मजा लें सेब का। हा हा हा, अमेरिका में करीब 2500 विभिन्न प्रकार के सेब उगाए जाते हैं और पूरे विश्व में करीब 7,500 किस्म के सेब उगाए जाते हैं। सेब का इस्तेमाल इसी तरह से फ्रेश खाने के अलावा जैम, जूस और साइडर में किया जाता है। सेब में फैट, सोडियम और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। जी हाँ, सेहत के लिए ऐसे ही अच्छा थोड़ी माना जाता है सेब। वेलकम बैक केन स्टार खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आजकल हम अमेरिका के अंदर है और आज कुछ ऐसा खाना बनाते हैं जिसमें फल सब्जियां सब कुछ हो। क्या क्या हो सकता है, एक काम करते हैं पहले जल्दी से एक सूप बना लेते हैं। और ये जो सूप है नाम क्या है, नाम सोचना पड़ेगा। सेब से बनाते हैं और ये इतना अच्छा पम्पकिन दिख रहा है, क्या खूबसूरत सा, तो इससे कुछ बनाते हैं। शुरुआत करते हैं, इसको मैंने काट कर रखा हुआ है, ये देखिए ये पम्पकिन को इधर काटा हुआ है पीसेस के अंदर, और इसके साथ गोल्डन एप्पल, गोल्डन एप्पल जो है उसको मैं काट कर डालूंगा इसके अंदर। तो गोल्डन एप्पल ये बीच में से निकाल दिया और इसके बाद इसे बस मोटा मोटा डाइस कर लेना है, कोई छोटा नहीं, बस इसी तरह से। और अब इसे हमने पकाना है। मैंने आपको बताया कि मैं बना क्या रहा हूँ? नहीं बताया शायद, अगर बता दिया तो आप बताइए क्या बताया था मैंने, मुझे तो याद नहीं। मैं बनाने वाला हूँ सेब का सूप। सेब का सूप मतलब एप्पल है, इसलिए नाम में क्या रखा है, वैसे सब कुछ नाम में ही होता है। तो एक काम करते हैं, इसको नाम बाद में देंगे, पहले सूप बना लेते हैं। और इसे पकाना है मुझे, और इसको पकाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा संतरे के रस का। अरे वाह, सेब भी है, पम्पकिन भी है और संतरे का रस भी। सीजन कर देते हैं इसे नमक से, ये आ गया नमक इसके अंदर। और मेरे पास यहाँ पर एक पत्ती पड़ी है, आहा कितना अच्छा फ्लेवर है भाई, बता रहा हूँ क्या डाल रहा हूँ। ये है बेली, ताज़ी वाली, ज़्यादातर हम सूखी वाली इस्तेमाल करते हैं, तो आप सोचें कि जो हरी वाली है वो डालेंगे तो कितना अच्छा फ्लेवर आएगा, ये इसके अंदर। और अब इसे हमने पकने देना है, ये बना रहे हैं हम एप्पल एंड पम्पकिन सूप। इसमें ऑरेंज किसी को बताए नहीं, नाम होना चाहिए एप्पल एंड पम्पकिन, पर जब लोग टेस्ट करेंगे कहेंगे कुछ तो ऐसा है जो थोड़ा अलग है, सेब भी नहीं है, तो कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको मज़ा आएगा क्योंकि टेस्ट करेंगे, जाना पहचाना है पर पता नहीं चल रहा क्या है। और ये जो सूप है ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पर कितनी तरह के सेब मिलते हैं। देखिए बहुत तरह तरह के यहाँ पर सेब हैं, लाल वाला है जो हिंदुस्तान में भी काफ़ी पॉपुलर है, इंडिया के अंदर भी जो सेब हैं उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश है और कश्मीर है वहाँ पर कितने तरह के सेब मिलते हैं, डिलिशियस, रेड डिलिशियस। यहाँ पर वॉशिंगटन के अंदर भी बहुत तरह तरह के सेब मिलते हैं और जो आजकल बढ़िया बढ़िया लाल सेब मिलते हैं वो यहीं से भेजे जाते हैं। और मुझे लगता है कि ज़्यादा अगर हम लोग खाएंगे तो उनके दाम थोड़े कम हो जाएंगे। जी हाँ ऐसा ही होता है, अगर कम लोग खाएंगे तो दाम बढ़ जाते हैं, ज़्यादा खाएंगे तो दाम कम हो जाएंगे। खैर इसके अंदर मैंने डाला है गोल्डन डिलिशियस, ये हमेशा नहीं मिलता है, तो क्या किया जाए, तो इस सूप में आप चाहें तो जो आपको सेब मिले वो डालें। मैंने गोल्डन डिलिशियस डाला है, आप कोई भी डाल सकते हैं, आप ग्रैनी स्मिथ इसके अंदर डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, हमें स्वाद चाहिए सेब का। अब आप पूछेंगे कि अगर सेब नहीं मिले, इतने महंगे होते हैं, हम एप्पल सॉस डाल सकते हैं?
नहीं 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 कुछ ऐसा नहीं, एकदम ताजे वाले सेब लेकर आप इसके अंदर डालें तभी मजा आएगा, ना जूस ना कुछ ऐसे। जूस अगर डालना है तो वो सिर्फ संतरे का। अच्छा, अब इसमें मैंने संतरे का रस इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर हम अमेरिका के अंदर हैं तो फलों में संतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पर नागपुर में होता है, यहाँ पर जगह जगह संतरा मिलता है, तो मैंने कहा सारी चीज़ें इसके अंदर डाल ही देते हैं। तो ये डाल दिया और इसको पकने देते हैं कुछ देर तक ढक्कन लगाकर। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। और इसे कब तक पकाना है समय के हिसाब से बताऊं या आपको ऐसे बता देता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से मैश होने दें। इतना पक जाना चाहिए पूरी तरह से। जब ये गल जाए तो थोड़ा ठंडा करें और ठंडा करने के बाद ब्लेंड कर लें। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं ताकि जो पूरा निकले माल वो होना चाहिए एकदम स्मूथ उसका टेक्स्चर, फिर उससे हम बाकी काम करेंगे। इसको पकने में थोड़ा समय है। मैंने एक काम किया हुआ है कि पहले से थोड़ा पका के रखा है इसे। ये देखिए, ये जो पकाया हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये पका के छाना हुआ है, ये देखिए। और अब ये जो पीसा हुआ है इसको एक बार फिर हम ले लेते हैं। वाह क्या खुशबू है। और थोड़ा धीरे, एक काम करता हूं मैं, पानी इसके अंदर, ये इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालता हूं कुछ और संतरे का रस, ये लीजिए, और इसे गर्म करते हैं अच्छा पूरी तरह से। इसमें डालेंगे नमक और इसके साथ थोड़ी काली मिर्च कुटी हुई, ये डालें और अब इसे मिक्स कर लेते हैं हम। अब इसके अंदर एक चीज़ और डाल देता हूं मैं, ताकि वैसे काफ़ी स्मूथ टेक्सचर है लेकिन और स्मूथ करने के लिए इसमें फ्रेश क्रीम, ये जो फ्रेश क्रीम है इतनी ज़्यादा फ्रेश तो नहीं है लेकिन डब्बे में से डाल रहा हूँ, फ्रेश मिले तो फ्रेश डालें। ये क्रीम आप चाहें तो ये देखिए, आहा बस अब इसे बंद कर देना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें थोड़ा सा धनिया डाला जाए, जब फ्रेश धनिया हाथ से थोड़कर, ज़्यादा नहीं, मिक्स कर दें। और अब बिल्कुल इंतज़ार ना करें क्योंकि ये जो सूप है ऐसा ही आप सर्व करें एकदम गर्मा गर्म। हाँ सर्दी का मौसम हो, गर्मा गर्म सूप हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हाँ गर्मियों में भी आप इसको पी सकते हैं लेकिन सेब संतरा हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनली सर्दियों में ही ज़्यादा मिलते हैं। वैसे मिलते तो अब 12 महीने लेकिन सस्ते सर्दियों में होते हैं। खैर कब आप बनाना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद रिकैप। मुझे बहुत काम करना है, बहुत घूमने जाना है, आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं नहीं अभी नहीं, लेके जाऊंगा, जरूर लेके जाऊंगा। आप देखते रहे कैंस्टार खाना खजाना। इसके लिए हमें चाहिए 2 कुकिंग एप्पल क्यूब्स में कटे हुए, 250 ग्राम पम्पकिन यानी भोपला क्यूब्स में कटा हुआ, 1 कप संतरे का रस, नमक स्वादानुसार, 1 तेज पत्ता हो सके तो ताजा वाला, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा कप फ्रेश क्रीम और कुछ पत्तियां हरे धनिया की। इसके लिए एक पैन में सेब और भोपले को डालें और इसमें संतरे का रस, नमक और तेज पत्ता डालकर इसे तब तक पकाएं जब तक ये पूरी तरह से गल ना जाए। इसके बाद इसे ठंडा करके पीस लें और इसे छान लें। अब एक बार फिर एक पैन में इस मिक्सचर को डालें और इसमें पानी, संतरे का रस, नमक और कुटी हुई काली मिर्च डालकर गर्म करें और इसमें फ्रेश क्रीम डालकर मिक्स करें और इसके साथ इसमें हरा धनिया डालकर मिलाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। अमेरिका में संतरा और सेब दो ऐसे फल हैं जिन्हें बेशकीमती माना जाता है, इसीलिए तो यहाँ पर सेब को इतना संभाल कर बड़ा किया जाता है, पाला पोसा जाता है। और सभी अमेरिकन सेब से बहुत प्यार करते हैं, वो खाने में हो या बाग में। जॉर्ज वॉशिंगटन को सेब के पेड़ की प्रूनिंग करना बहुत पसंद था। अमेरिका में रेड डिलीशियस नाम का सेब सबसे ज्यादा उगाया जाता है और पेड़ पर पकने के बाद ध्यान से हाथ से तोड़ा जाता है। इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने का मतलब इसे साफ किया जाता है, इसकी चटनी की जाती है और संभाल कर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या स्टोर किया जाता है और उसके बाद जी हाँ खाया जाता है। वेलकम बैक। तो देखा आपने कि सेब के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके पास आज तक नहीं थी, अब मिल गई ना। तो अब बनाते हैं सेब और बादाम का हलवा।
इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप अच्छे वाले सेब ले लें, लाल वाले ले लें, पीले वाले ले लें, हरे वाले ले लें, आपकी मर्जी है, पर लाल वाले लें, अच्छा हलवा बनेगा। तो सेब को तो ले लेंगे बाद में, पहले जरा मैं तैयारी कर लेता हूँ। ये पैन के अंदर इस बर्तन में थोड़ा तेल लेना है मुझे, ज़्यादा नहीं। चलिए तेल तो गर्म हो गया है, अब इसके अंदर क्या डालें, एक काम करते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं सेब को। सेब को कैसे डालेंगे, सेब को ग्रेट करके हमने डालना है। तो ये जो तेल है इसमें सेब आप ले लें और छील कर या कैसे भी आप सेब को डालें। ये लीजिए, ये आ गया सेब इसके अंदर, और अब इसे हमने पकाना है। अच्छा, इसमें जो सेब है मैं चाहता हूँ कि उसका जो लच्छा है उसका बिल्कुल हलवा ज़्यादा ना बने, तो उसको किस तरह से हम करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। जब आपने इसको थोड़ा सा पका लिया, फिर आप इसके अंदर डाल दें चीनी। ये देखिए, ये चीनी इसमें डाल देते हैं, और चीनी डालने से ये होगा कि ये जो इसके पीसेस हैं वो थोड़े इसी तरह से स्टिफ रहेंगे, हार्ड रहेंगे, और हलवा नहीं बन जाएगा इसका। बना तो रहे हैं हलवा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सेब थोड़ा सा कड़क रहे। और अब इसे हमने मिक्स कर लिया चीनी डालकर। अब ये चीनी में पक रहा है, इसके अंदर थोड़ी सी कुछ खुशबू देते हैं, फ्लेवर देते हैं, और एक काम करते हैं इसमें डालते हैं दालचीनी इसी तरह से, और इसके साथ साथ दो इलायची, ये हमने डाल दी इसके अंदर। और अब इसे पका लेते हैं, और इस समय मैं एक काम करता हूँ कि ये जो दालचीनी है इसे निकाल देता हूँ। ये निकाल दिया, और इलायची अभी रखी हुई है, इलायची को कभी भी बाद में निकाल देंगे, क्योंकि इलायची बंद हमने डाली है तो उसका फ्लेवर आने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। और अब इसमें हम डालते हैं ये बादाम जिसको हमने पीसा है, ये बादाम इसके अंदर पिसे हुए, ब्लांच करके छिलका निकाला, छिलका निकालने के बाद उसे पीस लिया। क्या आपको मालूम है कि जो बादाम है वो एक ऐसी चीज है जो गलती नहीं है। आप बादाम ले लें, बादाम को भिगो के रखें, फिर उसके बाद पानी में उबाल लें, प्रेशर कुक कर लें, कुछ भी कर लें, जो बादाम है उसको आप हाथ से फिर ऐसे दबा नहीं पाएंगे, ये खासियत है बादाम की। तो इसमें भी हमने पेस्ट बना के डाला है, और अब इसे हमने पकाना है। अच्छा, एक काम करते हैं, जब तक ये भूनता है, जो हमारी सेब की कहानी चल रही है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, क्या आपको मालूम है ये जो सेब है ये रोज फैमिली का है। जी हाँ, गुलाब की फैमिली का ये फल है, और जो सेब है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसको जब उगाया जाता है तो इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो ऐसी होनी चाहिए, उसमें आपको ठंड भी चाहिए और धूप भी चाहिए। जी हाँ, दिन में काफ़ी अच्छी धूप होनी चाहिए, और इसीलिए ये जो सफ़ेद चद्दर सी आपको नज़र आ रही है इतनी लंबी, उसका पर्पज ही ये है कि इसमें धूप जब आए तो रिफ्लेक्ट करके सेब के ऊपर पड़े। जो सेब का अच्छा लाल रंग है वो इसी धूप की वजह से आता है, और पानी तो चाहिए ही, तो पानी के लिए यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन, जी हाँ ये पाइप आ रही है, इसमें पानी अपने आप समय समय पर गिरता रहता है और काफ़ी पानी मिलता है। वैसे पानी की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो जो सेब है मॉइस्चर तो उसमें होता ही है, लेकिन हवा भी काफ़ी होती है, इसी वजह से जो सेब हैं वो तैर सकते हैं, फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। वेलकम बैक गनस्टार खाना खजाना में, एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब इसमें हम डालेंगे दूध, और दूध को ऐसे ही नहीं डालेंगे, दूध डालेंगे इसमें हम दूध सूखा हुआ, यानी मिल्क पाउडर। ये देखिए, अच्छा आप चाहें तो इसके अंदर खोया भी डाल सकते हैं, मावा जो होता है वो भी डाल सकते हैं। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अब थोड़ा सा
मुश्किल काम है ये, अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। वाह, ये मिला लिया। अब देखिए दिख रहा है ना हलवे जैसा कितना गाढ़ा गाढ़ा, तो बस अब ये करीब तैयार होने ही वाला है। आप चाहें तो इसे थोड़ा और गाढ़ा कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इतना गाढ़ा हमें अच्छा नहीं लगता है, तो आप सूखे हुए दूध के साथ में जो नॉर्मल दूध है वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और उससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली हो जाएगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसा बनाना चाहते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको आप बर्फी की तरह से भी बना सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ इतना पड़ेगा कि आप इसमें और दूध डालें सूखा हुआ, और एक ट्रे में थोड़ा सा तेल लगाकर इसको डालें, ठंडा करें, पीसेस काटें, और सेब की बर्फी तैयार। सेब और बादाम की, ये अच्छी तरह से अब हमने चलाना है, क्योंकि इस समय ये काफी लगना शुरू हो जाता है। ये देखिए, और अब ये तैयार, और अब इसे क्या कहते हैं, चखलूं मैं? जो सेब है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, पूरे के पूरे उसके लच्छे मुंह में आ रहे हैं, वो सबसे बढ़िया बात है। तो इसके लिए क्या मैंने आपको बताया था जरूरी चीज है, वो ये चीनी डालकर पहले उसको कुछ देर तक पकाएं, फिर मुंह में ये लच्छे आएंगे। इसको आप इस तरह से बना के देखें, खा के देखें, चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं, पिस्ता काट के डालें, उससे रंग अलग हो जाएगा, ऊपर से गार्निश, ज्यादा नहीं। बस तैयार, बादाम और सेब का हलवा, है ना सिंपल। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। एप्पल और आमंड हलवा, इसके लिए हमें चाहिए 4 सेब ग्रेट किए हुए, 1 कप बादाम की पेस्ट, 1/4 कप तेल या घी, 3/4 कप चीनी, 2 टुकड़े दालचीनी के 1 इंच के, और 1 कप दूध का पाउडर। इसे बनाने के लिए एक पैन में तेल या घी गरम करके इसमें ग्रेट किए हुए सेब को डालकर कुछ देर तक पकाएं। इसमें चीनी डालकर इसे कुछ देर और पकाएं। अब दालचीनी और छोटी इलायची डालकर मिलाएं, और इसके बाद बादाम की पेस्ट डालकर तेज आंच पर करीब 3 मिनट तक भूनें, और अब इसकी आंच धीमी करके इसमें दूध का पाउडर या खोया डालकर इसे तब तक भूनें जब तक ये पूरी तरह से पक ना जाए, और इसके बाद इसे गर्मा गर्म परोसें। वेलकम बैक कैन स्टार खाना खजाना में, एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ठंड है यहाँ पर, इतनी तेज हवा चल रही है, और मौसम इतना अच्छा है कि ये जो सेब हैं कितने खुश हो रहे होंगे कि इतने अच्छे मौसम में पैदा हो रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कई बार कि हम लोग कहाँ पैदा हुए? नहीं, मैं तो बहुत अच्छी जगह पैदा हुआ था, अम्बाला में। तब वो पंजाब था, अब हरियाणा, फिर क्या फर्क पड़ता है। अब बारी है आज के कॉन्टेस्ट क्वेश्चन की। आपको बताना ये है कि जो मैंने हलवा आज बनाया था बादाम वाला, उसमें फल कौन सा डाला था। आप अपने जवाब अपनी रेसिपी के साथ हमें इस पते पर लिखकर भेजें। कैन स्टार खाना खजाना, जी नेटवर्क, पोस्ट बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, भारत TVC, या khanakhazana@znetwork.com पर ईमेल करें। अब बारी है आज की टिप की। सजाने के लिए सेब का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए आप सेब को 2 टुकड़ों में काटें, इसके बाद इसे चॉपिंग बोर्ड पर रखकर किसी तेज चाकू की सहायता से इसके पतले पतले स्लाइसेस काट लें। अब इसे सावधानी से पकड़कर एक एक स्लाइस को इस तरह से निकालें और इसे फैलाते जाएं। अब देखिए ये गोलाकार में कैसा तैयार हो गया। हाँ, ये सेब लाल ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा नींबू का रस ऊपर से छिड़कें, और ये हो गया तैयार। तो कैसा लगा आपको कैन स्टार खाना खजाना, हमारा एप्पल स्पेशल, खास तौर से आपके लिए हम लेके आए हैं वॉशिंगटन से। जी हाँ, यहाँ के सेब भी अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, और नज़ारे भी, ऐसा नहीं लगता कि बस यहीं पर आकर रह जाएं, बस जाएं। नहीं, मुझे नहीं लगता, हमारा देश महान, मुझे तो बहुत मज़े आते हैं वहाँ पर, खाना भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। खैर, ये नज़ारे वाकई कमाल है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।